मथुरा की कस्बा राया में सादाबाद रोड पर दो बाइकों की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें एक बाइक पर सवार एक महिला सहित तीन लोग घायल हो गए, जबकि दूसरी बाइक का सवार अपनी बाइक को छोड़कर भाग निकला। हादसे को देख राहगीरों का हुजूम लग गया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। जानकारी के मुताबिक घायल महेंद्र ज्ञान सिंह और रेखा अनोड़ा बुर्ज के निवासी हैं, जो राया से घर की ओर जा रहे थे। इसी बीच राधा कोल्ड के समीप सादाबाद रोड की ओर से तेज गति से आ रही दूसरी बाइक ने उनमें टक्कर मार दी, जिससे वे घायल हो गए। मोटरसाइकिल तुम कौन कौन थे? कौन कौन? नाम बताओ। और कौन था साथ में आपके? और रेखा। तो कितनी चोटें आई हैं? अच्छा, रेखा की कैसी हालत है? तो आपस में टकराई तुम मोटरसाइकिल? किस गांव के रहने वाले हो आप? और जा कहाँ रहे थे? दो बाइक सवार आपस में लड़ गए थे। एक बाइक इधर से आ रही थी और एक इधर से आ रही थी, जिसपे एक महिला और दो जेंट्स थे। तो एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में एक बाइक वाला तो गाड़ी छोड़ करके भाग गया, और दूसरी बाइक पे जो महिला के साथ में जो पुरुष थे वो पूरी तरह से घायल हो गए। आधा घंटे यहाँ पड़े रहे थे और 108 नंबर को सूचना दी, न तो 108 नंबर आई और उसको पीआरबी को भी जानकारी दी, ना पीआरबी और पुलिस की गाड़ी अभी आपके सामने आई हुई है, और घायलों को उपचार के लिए रिक्शा में डलवा करके अभी जिला अस्पताल वहां सरकारी हॉस्पिटल भिजवाया। मथुरा की कस्बा राया में सादाबाद रोड पर दो बाइकों की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें एक बाइक पर सवार एक महिला सहित तीन लोग घायल हो गए, जबकि दूसरी बाइक का सवार अपनी बाइक को छोड़कर भाग निकला। हादसे को देख राहगीरों का हुजूम लग गया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। जानकारी के मुताबिक घायल महेंद्र ज्ञान सिंह और रेखा अनोड़ा बुर्ज के निवासी हैं, जो राया से घर की ओर जा रहे थे। इसी बीच राधा कोल्ड के समीप सादाबाद रोड की ओर से तेज गति से आ रही दूसरी बाइक ने उनमें टक्कर मार दी, जिससे वे घायल हो गए। मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल तुम कौन कौन थे? कौन कौन? नाम बताओ। और कौन था साथ में आपके? और रेखा। तो कितनी चोटें आई हैं? अच्छा, रेखा की कैसी हालत है? तो आपस में टकराई तुम मोटरसाइकिल? किस गांव के रहने वाले हो आप? और जा कहाँ रहे थे? दो बाइक सवार आपस में लड़ गए थे। एक बाइक इधर से आ रही थी और एक इधर से आ रही थी, जिसपे एक महिला और दो जेंट्स थे। तो एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में एक बाइक वाला तो गाड़ी छोड़ करके भाग गया, और दूसरी बाइक पे जो महिला के साथ में जो पुरुष थे वो पूरी तरह से घायल हो गए। आधा घंटे यहाँ पड़े रहे थे और 108 नंबर को सूचना दी, न तो 108 नंबर आई और उसको पीआरबी को भी जानकारी दी, ना पीआरबी और पुलिस की गाड़ी अभी आपके सामने आई हुई है, और घायलों को उपचार के लिए रिक्शा में डलवा करके अभी जिला अस्पताल वहां सरकारी हॉस्पिटल भिजवाया।